Good morning, class 5. How are you all? Children, take out your EVS book. We were reading chapter Living and Non-Living Things. Chapter number 9, Living Things and Non-Living Things. We have completed till consumers, means till page number 40. Today we will read about decomposers. Who are decomposers, children? We will read about it. Take out page number 41 and start reading with me. Decomposers. There are some organisms that cannot be seen with the naked eyes. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अब कोरोना वायरस है जिस वजह से आप घर में बैठे हो, है ना? क्या आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हो? नो, बट वो एक स्पीशी है, वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है ना? पर आप उसे देख नहीं सकते, यानी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स भी है जो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन दिखते भी नहीं है. दे डीकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी बॉडी को खत्म कर देते हैं, मतलब अंदर 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 से खा खा के उसको खत्म कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स. दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. रिपीट आफ्टर मी. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स के दो एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई. इन्हें आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं ये. दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स. ये क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज को बिल्कुल छोटा 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 ब्रेक डाउन कर देते हैं और मिनरल में कन्वर्ट कर देते हैं. वो मिनरल फिर किस में मिल जाता है? सॉइल में मिल जाता है. मिनरल्स गेट मिक्स्ड विद द सॉइल. वो मिनरल मिट्टी के साथ मिल जाता है. दीज मिनरल्स आर अगेन टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स. फिर यही मिनरल्स प्लांट दोबारा से लेते हैं सॉइल के थ्रू. इसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑल राइट, सो नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में हमने पढ़ा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्केवेंजर्स, ओमनीवोर्स, एंड नाउ वी हैव रेड द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु डीकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज डीकम्पोजर्स. इट्स एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कैसे एक लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंड है, यानी मैं लिविंग थिंग हूं और ये बुक नॉन लिविंग थिंग है. कैसे एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं? Say with me, living and non-living things constantly interact one another. Living or non-living things हमेशा एक दूसरे से interact करते रहते हैं. कैसे? For example, we drink water when we feel thirsty. जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी. और पानी क्या है? Non-living thing. क्या उसके बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते. वॉटर इज अ नॉन लिविंग और एबायोटिक कॉम्पोनेंट. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वॉटर, एयर एंड सनलाइट टू सर्वाइव. चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए. और ये तीनों क्या है? ये तीनों नॉन लिविंग थिंग्स है. दस प्लांट्स, एनिमल्स and human beings are dependent on biotic components. इसका मतलब हम सब non-living things पे depend है. This dependence of living things and
non-living things is called interdependence. ये जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट है, नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट है, ना लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के बिना रह सकते हैं और ना नॉन लिविंग थिंग के बिना रह सकते हैं. ये जो डिपेंडेंस है एक दूसरे का, इसे ही हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस. एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट. दुनिया में हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड होती है. All living and non-living things keep their balance in nature. हर चीजें एक दूसरे पे डिपेंड होती है, तभी नेचर का बैलेंस बना रहता है. Alright? So now do you know the meaning of interdependence? कैसे लिविंग थिंग non-living thing पे डिपेंड है, आपको समझ आया? हम सबको जीने के लिए क्या चाहिए? एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए. ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है. हम सब डिपेंड है नॉन लिविंग थिंग्स पे, हम नहीं रह सकते इनके बिना. डिकम्पोजर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड बॉडीज को खा खा के ब्रेक डाउन करके मिनरल्स बना देते हैं. और वो मिनरल्स कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. और दोबारा से प्लांट उन्हीं मिनरल्स को सॉइल से लेता है. इसको क्या बोलते हैं हम? रिसाइकलिंग. व्हाट डू वी कॉल इट? रिसाइकलिंग. दो डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई, विच यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर नेकेड आईज. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैंने आपको बताया है कि हम चैप्टर बहुत स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक लाइन चैप्टर की समझ आए. देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर एनी लाइन, यू कैन सेंड मी अ वॉइस नोट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. टुमारो वी विल फिनिश द चैप्टर चिल्ड्रन. ओनली 2 पैराग्राफ्स आर लेफ्ट. वी विल कम्प्लीट दिस चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज वर्क. Till then, you have to keep reading the chapter, and if there is any query, please send me a voice note. Bye-bye.